नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देश भर में लॉकडाउन घोषित होने के बाद अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोग अपने गांव लौटने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। मजदूरों और फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस का डर है और दूसरी तरफ भूख की वजह से मजदूर अपने गाँव जाना ठीक समझ रहे हैं। एक तरफ जहां लोग पैदल ही अपने गांव जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग चोरी छिपे जरूरी सामान की गाड़ियों पर बैठकर जा रहे हैं। इस बीच 12 मजदूरों ने लॉकडाउन से बचने के लिए दूध के टैंकर में किया यात्रा। आपको बता दें कि ये मजदूर कल्याण से राजस्थान जा रहे थे। पुलिस की नाकाबंदी में पकड़ा गया दूध गाड़ी का चालक। और हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक 167 केस सामने आए हैं। पिंपरी चिंचवाड़ में 12, पुणे में 24, मुंबई में 77, 5 लोगों की मौत। थाने में 5, नवी मुंबई में 6, 1 की मौत। कल्याण में 7, पनवेल में 2, नागपुर में 12, यवतमाल में 4, रत्नागिरी में 1, अहमदनगर में 3, औरंगाबाद में 1, उल्हासनगर में 1, कोल्हापुर में 1, सतारा में 2, सांगली में 25, जलगांव में 1, वसई विरार में 4, पुणे ग्रामीण में 1, सिंधु दुर्ग में 1, पालघर में 1, गुजरात से मुंबई आया शख्स 1। तो इसी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। आप सभी धारा 144 का पालन करें। आप सभी से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि घर में रहे, सुरक्षित रहे, बाहर ना निकले। धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस आप पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी, सख्त कार्रवाई कर रही है। आप सब धारा 144 का पालन करें, सुरक्षित रहे। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।